चलिए, तो स्वागत है आज आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन की ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम कल हमने चर्चा की थी इसके सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर कि डाइट क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। समय गर्दन सीधी, आंखें बंद, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। तो देखिए, जैसे कि इस विषय का नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन का, ये है क्या, इसको क्यों पढ़ना है। तो जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा बात हो रही है स्वास्थ्य पे, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी चीजें आजकल बात हो रही हैं, एक्सरसाइज की, योग की, अल्टरनेटिव मेडिसिन की, एंशियंट पैटर्न की। तो एक एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपके शरीर में, वो होता है जो आप फूड लेते हैं, जो आप आहार ग्रहण करते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि आहार भी एक तरह की औषधि है, आयुर्वेद के ग्रंथों में आहार को औषधि के रूप में माना गया है। आहार क्यों लिया जाता है, जैसे कि कोई भी मशीन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को फ्यूल की जरूरत होती है। और वो फ्यूल कहाँ से मिलता है, आहार के द्वारा मिलता है। तो आहार लेने का मेन उद्देश्य केवल आपकी जो बोलते हैं ये जीव होती है, जिह्वा का रसा स्वादन करना नहीं होता है, बल्कि मेन उद्देश्य उसका शरीर को जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रदान करना होता है। तो डाइट और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट यहीं से उभर के आता है कि जो आप डाइट ले रहे हैं, जो आहार आप ले रहे हैं, वो आपके अनुसार कितना क्या चीजें लेनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू या पोषण तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं, वो किस तरह से होने चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ ये टॉपिक या फिर ये विषय हम पढ़ते हैं। किस तरह के फूड होते हैं, उनमें कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, किस व्यक्ति को कितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर इसको हम किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो इसको 19वीं 20वीं शताब्दी से बताया जा रहा है कि 19वीं 20वीं शताब्दी से इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया गया है। लेकिन अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत देखें तो भले ही इसको एक रिटन फॉर्म में या वेल मैथड में स्टेब्लिश नहीं था, पर हमारी भारतीय संस्कृति का ये अंग हुआ करता था। बहुत सारी चीजें थी जो छोटे बच्चों को नहीं खिलाई जाती थी या फिर बीमार पेशेंट्स को नहीं खिलाई जाती थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, वो अपने आप से भारतीय संस्कृति का अंग होते हुए वैसे ही चला आ रही थी। जैसे कि हमारे यहाँ सीजनली चीजें होती हैं, कि ठंडक में कुछ चीजें होती हैं उनको घर पे हमारे घर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो उसको बनाते हैं। जैसे तिल का उपयोग ठंडक में ज्यादा होता है, मूंगफली का उपयोग ठंडक में ज्यादा होता है। तो जिन चीजों की सीजनली आवश्यकता होती है उसको अनकॉन्शियसली हमारे घर में वो उपयोग वैसे भी होती है। ठीक है, ठंडक जाते से ही, गर्मी आते से ही हमारी प्रकृति भी वैसी ही चीजें देना शुरू कर देती है, और हमारे घर की जो फूड हैबिट है इंडियन कल्चर में वो भी वैसी ही है। तो इसका एक वेल स्टेब्लिश मेथड है, वेदों में है, पुराणों में है, आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर आप वहां से निकालना चाहेंगे तो वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक परंपरा के रूप में वो स्टेब्लिश कर दिया गया है। तो अब हमें उसको जरूरत वापस से क्यों पड़ रही है पढ़ने की, क्योंकि अब हम उस चीज को भूलते या फिर उसको रूढ़वादिता या फिर
उपेक्षा की दृष्टि से देखते चले आ रहे हैं। अब हमें उस चीज का वापस से रियलाइजेशन 19वीं 20वीं शताब्दी में कुछ लोगों को हुआ कि हाँ, ऐसी भी कोई चीज होनी आवश्यक है, उसका वेल एस्टेब्लिश मेथड होना आवश्यक है। तो उसको एक नए वेल एस्टेब्लिश मेथड के अंतर्गत लाया गया, जिसको डाइट एंड न्यूट्रिशन एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, क्योंकि भारत में जो भोजन है उसकी सूक्ष्मतम इकाई भी होती है, इसमें 17 गुण भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू तो आप जो फिफ्थ एलिमेंट्स हैं उनसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके हर फूड का, हर एक भोजन का भारतीय संस्कृति में एक भाव भी होता है, वो सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, लेकिन हमें उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। आयुर्वेद का जब पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 19वीं या 20वीं शताब्दी में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। फिर इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ऐड होती चली गई। उसमें कई सारे प्रोटीन्स को कभी खोजा गया, कभी कोई मिनरल्स की खोज की गई, किसी डिजीज को देखा गया, है ना। तो ऐसे ही कई सारी चीजें इसमें खोजी गई। फिर इसमें कुछ संस्थाएं थी जो स्टेब्लिश हुई पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड को लेकर के, जो इन चीजों पे तथ्यों को खोज कर रही थी। वो एक थी तो जो सभी जानते हैं, WHO। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म में इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक के। तो एक थी WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक थी FAO, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये USA की थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा एक जिसको आपने बहुत ही नाम सुना होगा, यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ। ठीक है, ये क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इन्हों इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम किया। ठीक है, तो ये आ सकता है, इनके शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप। ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स तो क्या है, अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक है, ये चीजें टर्म्स बार बार इसमें यूज होंगे। कंपाउंड का यूज होगा। कंपाउंड क्या होता है, जब दो केमिकल्स आपस में कोई बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने CO2 सुना होगा, ठीक है, H2O सुना होगा। तो ये दो कंपाउंड जब मिलकर कोई भी एक नया एलिमेंट बनाते हैं तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं पर आएगा, इतना ज्यादा वो नहीं है। एटम्स के बारे में आएगा, छोटा छोटा, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं मेन जो हमारा है, जो आपके टॉपिक में है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड। फूड क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं जो हम खाते हैं वो हमारा फूड है ना। लेकिन जो हम खाते हैं क्या वही हमारा फूड है? इसके लिए एक CTC डिक्शनरी है। ठीक है, CTC, जिसको चैम्बर्स डिक्शनरी कहा जाता है, उन्होंने कुछ शब्दों का यूज किया। जैसे कि उन्होंने पूछा, व्हाट वन फीड ऑन, क्या जो हम खाते हैं वो फूड है हमारा, वही आहार है। ठीक है, या फिर जो पचा लेते हैं, ठीक है, जो खाया हमने और वो पच गया, तो क्या वो फूड है? या फिर वो फूड, जो भी सब्सटेंस, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ में, जो हमारे विकास में सहयोग है, वो फूड है। ठीक है, तो क्या यही, ये सारे जो क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं वही फूड है?
तो ये क्वेश्चन अराइज होने के बाद एक कई सारे डेफिनेशंस बनी कि एक्चुअल में क्या फूड हो सकता है। तो फूड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोवाइड करता है, जो भी आपको सपोर्ट करते हुए न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, जो आपके मानव शरीर के ऑर्गन्स के लिए जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर किसी आहार से वो उसे मिल रही है तो वो फूड कहलाता है, वो आहार कहलाता है। कुछ भी आप खा रहे हैं, जो भी आप उठा के खा ले रहे हैं, हर एक चीज को आहार नहीं कहा गया है। जो आपके शरीर के विकास के लिए उपयोगी है वो फूड कहलाता है। फूड इज यूजली ऑफ प्लांट एनिमल्स और फंगल ओरिजिन एंड कंटेन्स इसेंशियल न्यूट्रिशंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो जो फूड होता है, जो आहार होता है, यूजुअली कहाँ से लिया जाता है? प्लांट्स से लिया जाता है, एनिमल्स से लिया जाता है, या फंगल ओरिजिन से लिया जाता है, जिसमें कि इसेंशियल न्यूट्रिशंस, कुछ इसेंशियल न्यूट्रिशंस होना जरूरी होते हैं। अगर वो इसेंशियल न्यूट्रिशंस नहीं है तो वो आहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, इनमें से किसी ना किसी चीजों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसी को हम जब बैलेंस करके फॉर्म में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स को, तो वो डाइट के कॉन्सेप्ट में, डाइट एंड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं कि कितना हम खा रहे हैं। तो अब इसके कई सारे डिफिनेशंस हैं, देख लेते हैं। फूड क्या है? एनी सब्सटेंस विच वेन टेकन इन टू द बॉडी कैन यूटिलाइज टू हील हर्ट और एनर्जी टू बिल्ड अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यूज, टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस एंड टू एड इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बॉडी कंपाउंड। तो क्या है फूड? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आप खाने के द्वारा शरीर में पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके थ्रू आपके शरीर के अंतर्गत जा रहा है, और उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है, उसके बाद उसके द्वारा आपके शरीर को, आपके हृदय को, आपके टिश्यूज को, सेल्स को एनर्जी मिल रही है। साथ साथ में अगर टिश्यूज डैमेज हो गए हैं या टिश्यूज डेड हो गए हैं, जो सेल्स डेड हो जाते हैं, उनकी जगह पर नई चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट फूड। ठीक है, जो उस फूड से एनर्जी मिली है उसके हेल्प से, और आपके जो शरीर में कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक की प्रोसेस हो या फिर बाकी जितने भी सिस्टम है उनसे रिलेटेड प्रोसेस हो, उनमें ये फूड जो है डाइजेस्ट होके उनको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है, वो फूड के कंपोनेंट्स जो हैं, उसे हम फूड कहेंगे, उसे हम आहार कहेंगे, जो कि आपके शरीर के प्रोडक्शंस के लिए, प्रोसेस के लिए जरूरी है। एक और डेफिनेशन है, फूड इज एनी एडिबल मटेरियल दैट सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कि यह कह रही है कि आहार एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके शरीर की ग्रोथ को, आपके शरीर में कोई रिपेयर अगर की जरूरत है, डैमेज हो गया है उसकी वजह से रिपेयर की जरूरत है, और उसके मेंटेनेंस को, बैलेंस को जो रखता है वो आहार कहा गया है। ठीक है, ऐसी खाने योग्य चीजें जो कि आपके शरीर की ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को बनाए रखती हैं, उसे आहार या फूड कहा गया है। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, एनी एडिबल सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फूड। वही चीजें बता रहा है बार बार कि जो भी चीजें आप खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है, उसको फूड कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये तीन क्वेश्चंस थे, तीन क्वेश्चंस अराइज हुए थे सीटीसी डिक्शनरी में कि व्हाट वन फीड ऑन, फूड इज द दैट व्हिच इज बिगिन डाइजेस्ट व्हाटएवर सब्सटेंस और प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, तो
इसको भी फूड कहा जा सकता है, लेकिन वेल एस्टेब्लिश जो डेफिनेशंस हैं वो ये हैं कि फूड क्या कहा जा क्या होता है, तो ये इसकी ये डेफिनेशंस हैं। आप देखिए फूड में ऐसा नहीं है, फूड क्या है वो तो फूड है। आप अगर आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, कोई सैट्रिक फूड खाएंगे तो उसमें विटामिन सी मिलेगी, वो डाइट नहीं हो गया, वो तो फूड है। अब कितना खाना है वो चीजें हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन अगर आलू के बारे में है या गाजर के बारे में है या अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस होने चाहिए, वो फूड है। कितना लेना है कब लेना है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद हम न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशंस क्या है, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ इन इंक्लूड्स इंजेक्शन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म एंड डिफ्यूजन। ओके, तो हमारे शरीर में कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि जैसे आप फूड इनटेक करते हैं, फिर वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के माध्यम से उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स के माध्यम से उसका डाइजेशन होता है, फिर उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू जो भी आहार है वो निकलने के बाद आपके शरीर को जो भी बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करता हो, और जो आपकी लाइफ जीवन रहा है उसको सपोर्ट करता हो, वो न्यूट्रिशंस कहे जाते हैं, ठीक है। तो द साइंस ऑफ द स्टडी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल साइंस। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है न्यूट्रिशंस की, उसको जिस साइंस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसको न्यूट्रिशनल साइंस कहा जाता है या न्यूट्रिशन साइंस कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का मेथड है जिनके द्वारा जो फूड से एनर्जी निकलती है या फूड से जिस तरह की पोषक चीजें निकलती हैं वो हमारे शरीर की अलग अलग ऑर्गन्स उसको कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इन सब चीजों की स्टडी हम इन न्यूट्रिशन के अंतर्गत करते हैं। तो इसको भी सीडीसी डिक्शनरी में कहा गया है एक्ट और प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, एक ऐसा कार्य या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर को नरिशमेंट मिलती है, शरीर के ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज को नरिशमेंट मिलती है, उसको हम न्यूट्रिशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो जीवित प्राणी होते हैं वो किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, और शरीर के जो विभिन्न कार्य हैं उनको भी इसके अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। शरीर की वृद्धि कैसी हो, अगर शरीर में किसी प्रकार की टूट फूट हो गई हो तो उसकी मरम्मत कैसे की जाए, ये सब न्यूट्रिशन वैल्यूज के अंतर्गत स्टडी की जाती, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दी गई है जो आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस इट्स फंक्शन एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिन्यूअल ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि जो हम न्यूट्रिशंस की डाइट की बात कर रहे हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं और जो अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके कार्य, उनके आपस में रिलेशन क्या है, उनका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनसे रिलेटेड बीमारियां
किस तरह से बैलेंस डिसबैलेंस होती है, उनका बैलेंस करना और वो सारी प्रोसेस, ठीक है, उन सारी प्रोसेस के बारे में। और जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उनका डाइजेशन, उनका अवशोषण, ठीक है, उनका यूज कैसे होता है और वो कैसे बाहर निकलते हैं, इन सब चीजों को हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं वो साइंस का है, वो है न्यूट्रिशनल साइंस। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनल साइंस के बारे में बात हो गई। अब न्यूट्रिशन के कुछ स्टेट होती हैं, स्टेटस इसके कुछ कुछ हैं कि अलग अलग स्टेटस पे ये काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा ये कुछ शब्द हैं, गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। ये चारों ही आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन एक तरह से अंडर न्यूट्रिशन का ही सब टाइप में आता है। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है गुड न्यूट्रिशन और ये सारी चीजें। अलग अलग उम्र का अलग अलग खाना होता है, लेकिन अगर उसमें कोई इम्बैलेंस या डिसबैलेंस होता है तो अलग अलग स्टेजेस उसकी बन जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल हाइट ऑफ एज, अगर एक 10 साल के बच्चों की एक नॉर्मल हाइट होती है कि इस हाइट में लोगों को बढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति नॉर्मल हो, कुछ हो सकता है कि हाइट तो हो पर उनका वेट उतना ना हो जितना कि वेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ हो सकता है कि उनका वेट तो ठीक ठाक है पर जिस तरह से एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट होनी चाहिए वो ना हो। कुछ का ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडर वेट, जिस एज में उनका वेट जितना होना चाहिए वो भी नहीं है और जो हाइट होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। तो ये कई सारी स्टेजेस होती हैं ह्यूमन हेल्थ की। तो इनको न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के साइंस में देखा जाए तो इसको कई सारे कंडीशंस के तहत बांटा जा सकता है, जैसे गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। तो गुड न्यूट्रिशन क्या है, जिसको हम हिंदी में सुपोषण भी कहते हैं। सुपोषण क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से बैलेंस रहता है, बैलेंस डाइट एक तरह से होती है, जैसे फिजिकली मेंटली दोनों तरह से व्यक्ति बैलेंस रहता है और जो उसकी वर्क एफिशिएंसी होती है अकॉर्डिंग टू उसकी एज, ठीक है। जैसे कि 10 साल का बच्चा है तो 10 साल का बच्चा कितना काम कर सकता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी उसके एज के अनुसार होनी होनी चाहिए। अगर 30 साल का कोई यंग है तो वो उस अपने 30 साल के अकॉर्डिंग वर्क कर पाने में सक्षम है कि नहीं, ठीक है। जब अच्छा न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है तो उसकी वर्क एफिशिएंसी भी अच्छी होती है अकॉर्डिंग हिज और हर एज, ठीक है। तो अगर ये चीजें अच्छी है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखी गई हैं। जैसे कि WHO में आपने डिजीज के बारे में पढ़ा होगा तो सुना होगा कि केवल, अगर ऐसा नहीं कि अगर हमको कोई डिजीज नहीं हुई है तो हम स्वस्थ हैं। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना अगर हमें नहीं हुआ है तो हम स्वस्थ ही हैं, ऐसा नहीं है। हम कितना शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम कितने हैं, जितनी हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्क एफिशिएंसी सही है या नहीं, हम पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली कैपेबल हैं कि नहीं, कार्य क्षमता हमारी अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो गुड न्यूट्रिशंस में वही चीजें हैं, हम खा रहे हैं और हम ठीक हैं, इट्स नॉट गुड कि हम जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। गुड न्यूट्रिशन में ये भी देखा जाता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग जो फिर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलने चाहिए थे वो सारे मिल रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप अपने वर्क एफिशिएंसी आपकी उतनी प्रॉपर है कि नहीं, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो सब गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुड न्यूट्रिशन जिसको मिल रहे हैं उनमें कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा, उनका उनकी बॉडी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, ठीक है, जिस हाइट जिस एज में है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट होगी और उसका वेट भी उसके अकॉर्डिंग होगा।
मांसपेशियां वेल स्टेब्लिश्ड होंगी, ठीक है, स्किन उसकी लाइट होगी और ग्लोरी होगी, चमकदार होगी, ठीक है, जो कि एक हेल्दी पर्सन के जितने भी साइंस होते हैं वो सब साइंस उसके अंतर्गत देखा जाएगा, जैसे कि नाखून चमकीले होते हैं, है ना, हल्के से गुलाबी होते हैं, बालों में चमक होती है, ये एक हेल्दी पर्सन के जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो सारे कुछ उस व्यक्ति के अंतर्गत दिखेंगे जो कि एक बैलेंस डाइट या गुड न्यूट्रिशंस युक्त डाइट को ले रहा है। अब गुड न्यूट्रिशंस में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम आगे चर्चा करेंगे कि न्यूट्रिशंस में क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें अव्यवस्थित भोजन है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक है या फिर कम, ठीक है, जितना आपको लेना है अपर्याप्त लिया जाए, जितनी जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन के कंडीशंस में आता है। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। मतलब क्या है कि हो सकता है जितनी क्वालिटी आपको उसमें चाहिए उतनी क्वालिटी नहीं है, या हो सकता है कि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं माल न्यूट्रिशन में। तो देखिए इसमें दोनों कंडीशन आती है, ओवर न्यूट्रिशन की भी कंडीशन आती है और अंडर न्यूट्रिशन की भी कंडीशन आती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन दिए जाते हैं जो शरीर को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, वो भी न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, तो वो भी कंडीशन आ सकती है। और अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितने शरीर को रिक्वायर्ड है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन आ जाती है। दोनों ही माल न्यूट्रिशन के ही अंदर आते हैं, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद में कि ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों हो सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जितनी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है खाने की, और क्वांटिटेटिव जितनी मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है, या फिर क्वालिटेटिव में जितनी क्वालिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा है ना। कोई ड्राई फ्रूट्स भी पूरी अपनी डाइट में ले रहा है और कुछ ले ही नहीं रहा है। किसी को उचित मात्रा में जो फूड मिलना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी या बाकी चीजें, वो नहीं मिल पा रही है, तो वो क्वालिटेटिव में हो गया। क्वांटिटेटिव में क्या है कि क्वांटिटी कितनी है ना, कि नॉर्मल क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए भूख के हिसाब से वो नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत अधिक क्वांटिटी में कोई खा रहा है, तो ये दोनों ही कंडीशन माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में आती है। अब इसमें देखो कई सारी चीजें दिखाई गई है, जैसे कि इनएडिक्वेट फूड, इम्प्रॉपर फूड, ठीक है, इनएडिक्वेट मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो जितना पोषण आपको फूड से मिलना चाहिए, जैसे कि अगर किसी के पास प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है तो क्या है, जो मिलेगा वो खाएगा, और उसमें जरूरी नहीं कि सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, तो वो इनएडिक्वेट फूड के अंतर्गत आता है। या हो सकता है कि आप बहुत खा रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, तो वो भी जैसे कि फास्ट फूड वगैरह अगर आप बहुत भी खा रहे हैं तो वो भी क्या इनएडिक्वेट फूड है, फूड जितना पोषण तत्व तो उसमें होने चाहिए वो नहीं है। उसके बाद इम्प्रॉपर फूड, वही जो फूड ले रहे हैं शरीर के लिए अनुचित है अगर, वो क्या है, इम्प्रॉपर फूड है, प्रॉपरली फूड आप चाहे वो इनटेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर जो फूड की क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर फूड के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा क्या है, अनसुटेबल फूड, ठीक है, जो फूड वही बार बार में चीजें हैं कि एज, जेंडर और वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग फूड अलग अलग होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग तरह का फूड लिया जाता है, अगर छोटे बच्चे हैं उनको फूड अलग दिया जाता है, बहुत ज्यादा कोई वर्किंग फिजिकल वर्क कर रहा है तो उनका फूड अलग होता है। तो अगर इसमें भी एक जैसा ही खाना दे रहे हैं, कोई अगर 4 घंटे जा करके बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसको भी वही खाना दे रहे हैं जो कि चेयर पे बैठ के काम करने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं, तो इसमें भी क्या ये अनसुटेबल फूड में आता है।
उनको अलग अलग तरह का फूड की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उनके प्रोटीन्स ज्यादा खर्च हो रही है, जो चेयर पे बैठ के काम खर्च कर रहा है उनको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उन सब चीजों की, तो वो सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अनसुटेबल फूड भी आता है। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस भी हो सकते हैं, है ना, कि उनका जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, रीति रिवाज इसके अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे कि कई लोग काफी बार बहुत सारे उपवास करते हैं, प्रॉपर उपवास नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं, नॉलेज नहीं होती है, तो वो सारे सोशियो इकोनॉमिक कॉज के अंतर्गत आते हैं। अनअवेयरनेस है, चीजें नहीं पता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो उन्हें मिला है उसको आराम से खा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे शरीर को कब कौन से न्यूट्रिटिव वैल्यू की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जब बच्चों की वृद्धि की उम्र हो रही होती है उस समय उन्हें ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी हेल्थ और हाइट प्रॉपर ग्रोथ हो, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा अनअवेयरनेस तो हो गया, उसके अलावा लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है कि अच्छे से ढंग से सो नहीं रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं तभी सारी चीजें हो रहेंगी। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं, इनप्रॉपर है आपकी नींद, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। तो प्रॉपर स्लीपिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अनहेल्दी कंडीशंस होती हैं। अनहेल्दी कंडीशंस में क्या होता है कि और अदर कोई डिजीजेस हैं आपके शरीर में, ठीक है, जैसे कि आप फ्रेश एयर नहीं ले पा रहे हैं, या फिर पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन डी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आसपास एनवायरनमेंट इतना साफ सुथरा नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो ये सारी कंडीशंस भी जो है वो माल न्यूट्रिशंस को जन्म देती हैं। फिर बैड फूड हैबिट्स है, तो बैड फूड हैबिट्स के बारे में तो बहुत बार बात हो गई, वही सारी चीजें कि जो आपको कब क्यों कैसे क्या खाना चाहिए वो अगर नहीं पता है तो वो भी माल न्यूट्रिशन को जन्म देता है। उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ठीक है, ये भी एक तरह की बैड फूड हैबिट है। या फिर बहुत लेट से खा रहे हैं, मॉर्निंग का नाश्ता 10-11 बजे हो रहा है, लंच 3-4 बजे हो रहा है, फिर आपका डिनर जो है वो 10-11, रात के 10 बजे 11 बजे ऐसे ले रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल की चीजें नहीं होती, बैड हैबिट फूड बैड हैबिट के अंतर्गत आता है। या फिर बार बार कोई कोई की आदत होती कि 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट पे कुछ ना कुछ खाते रहने की, तो वो भी एक बैड फूड हैबिट के अंतर्गत आता है, जिससे डाइजेशन फिर इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और चीजें हैं कि बहुत ही ज्यादा फैटी चीजें ले रहे हैं, बहुत तली भुनी चीजें ले रहे हैं, और इन सब चीजों का अगर वो अभ्यस्त हो जाता है तो वो भी एक सिचुएशन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर ये सब चीजों का जो उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा निकोटीन ये सब चीजें लेते हैं, चाय कॉफी, इसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। भले वो न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड इंटेक कर रहे हो, लेकिन ये सब चीजें अगर वो ले रहे हैं तो भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद दो चीजें और आती हैं जिसको अभी इसी के अंदर हमने देखा था, एक ओवर न्यूट्रिशन है, एक अंडर न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अगर ओवर कंजप्शन हो गया कैलोरीज और विटामिन और मिनरल्स का, तो ये क्या है, ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है कि आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव चीजें खा रहे हैं जो आपके शरीर को जरूरत नहीं है। आप फिजिकल वर्क उतना नहीं करते, आपका वर्किंग जो स्टाइल है वो है ऑलमोस्ट या आप मानसिक कार्य को ज्यादा करते हैं, आपका ब्रेन ज्यादा उसमें लगता है रदर देन आपकी अलग फिजिकल एक्टिविटीज से, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आती हैं वो ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों को मोटापा या फिर इससे रिलेटेड अदर डिजीजेस देखी जाती हैं उनके अंतर्गत। इसके अलावा जो दूसरा आता है वो अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन जो कि बीएमआर हमने कल थोड़ी सी बात की थी,
उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हाइट और वेट होना चाहिए इस एक पर्टिकुलर एज में, अगर वो नहीं है तो वो अंडर न्यूट्रिशन के कंडीशंस में आता है। इससे क्या होता है कि जो जिस आयु में या फिर जिस एज में जितनी आवश्यकता है उससे अगर कम पोषक तत्व या न्यूट्रिटिव वैल्यू आपके शरीर में है तो वो अंडर न्यूट्रिशन के कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये भी कई कारण से हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि क्वांटिटेटिव जो है डाइटरी डिफिशियंसी है, जो आप डाइट ले रहे हैं वो उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि आपको लेना चाहिए, या क्वालिटेटिव डाइटरी डिफिशियंसी है, या जो फिर डाइट आप ले रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए उनमें कमी है। तो ये दोनों अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है, जो कि दोनों ही अंडर और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण केवल यही नहीं है कि आपको प्रॉपर फूड इनटेक नहीं मिल रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अगर अधिक भी मिल रहे हैं तो वो भी कुपोषण ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने